शैतान यार बड़ी प्यारी फिल्म है, कमाल की फिल्म, मुझे मजा आया फिल्म देख के। और अजय सर के तो हम सब लोग फैन हैं, लेकिन यहाँ मैं अजय सर से ज़्यादा मैडी के लिए कहना चाहूँगा जो शैतान का करेक्टर निभा रहे हैं। मैं खुद एक एक्टर हूँ तो मैं जानता हूँ कि करेक्टर को प्रेजेंट करना, परफॉर्म करना कितना मुश्किल होता है, लेकिन उन्होंने जिस शिद्दत से उस किरदार को निभाया है वो बड़े ही मज़ेदार है। मैं बहुत इम्प्रेस हुआ उनसे। 90s का मैडी, यहाँ पे चॉकलेट बॉय काफ़ी अलग अवतार के अंदर, क्या लगता है ऑडियंस किस तरह से कनेक्ट करेगी इनके कैरेक्टर के साथ? मुझे तो ऐसा लगता है कि फिल्म में जो सबसे ज़्यादा जिस करेक्टर में पोटेंशियल है वो मैडी के ही करेक्टर में है, या फिर हम कहें कि वो लड़की जानवी के करेक्टर में है। दो करेक्टर ऐसे हैं जिसमें आपको बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म करने की ज़रूरत थी और दोनों ने बखूबी निभाया है। एक लवर बॉय से एक विलन में जब आप किरदार को कन्वर्ट करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ती है, तो मैडी ने वो किरदार बखूबी निभाया और मज़ेदार वो मुझे लगा। क्या लगता है विकास बाल ने वश मूवी को रीमेक बनाने में यहाँ पर कामयाब प्रॉपर तरीके से हुई, क्या यहाँ पे हिंदी ऑडियंस इस मूवी को प्रॉपर तरीके से कनेक्ट कर पाएगी? डेफिनेटली कर पाएगी। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि मैंने ओरिजिनल फिल्म देखी नहीं अभी तक, बट अगर कोई बंदा इससे पहली बार देख रहा है तो डेफिनेटली उसके लिए एक न्यू कॉन्सेप्ट है, एक मज़ेदार कॉन्सेप्ट है और एक मैसेज वाला भी कॉन्सेप्ट है जो फिल्म के बिल्कुल लास्ट में दिखाया कि एक फादर अपने बच्चों के लिए, अपनी बेटी के लिए खुद क्या फील करता है, और वो अपने बच्चों पे जब आँच आती है तो खुद भी एक शैतान बन जाता है। तो बड़े ही अमेजिंग मुझे वो कॉन्सेप्ट और कहानी लगी। डेफिनेटली यार वो पूरा तो लड़की के ऊपर ही है। सब लोग, मुझे लगता है कि इसमें कोई हीरो हीरोइन या मेन स्ट्रीम फिल्म नहीं है, सब लोग अपना अपना किरदार निभा रहे थे, जैसे जानवी अपना, ज्योति जी अपना, मैडी अपना, अजय सर अपना, तो इस तरह से इन लोगों ने जिसने भी अपना किरदार निभाया वो बखूबी निभाया। हर किसी को देखकर लगता है एक स्टेज के बाद की ये कहानी देखते देखते हम एक रियल दुनिया में जा रहे हैं, और जब क्लाइमैक्स का सीन आता है तो बहुत बड़ा ही कमाल का डायरेक्टर ने काम किया है और बड़े मज़ेदार तरीके से उसको प्रेजेंट किया है। फैमिली ऑडियंस इस मूवी को कनेक्ट करेगी या फिर नहीं, क्या लग रहा है? नहीं, फैमिली ऑडियंस डेफिनेटली कनेक्ट करेगी, बट आई डोंट थिंक सो कि बच्चे इसे पूरा देख पाएंगे। थोड़ा सा जो हॉरर कंटेंट है, जो शैतान इसका टाइटल है, वो इतना इंपैक्टफुल है कि बच्चे आई थिंक क्लाइमैक्स तक आते आते या तो रोने लग जाएंगे या फिर वोमिटिंग करने लग जाएंगे। तो आई थिंक 18 प्लस ब्लैक मैजिक फील कराया गया था, तो एक्चुअल मूवी के अंदर कितना आपको कुछ फील हुआ, क्या कुछ ब्लैक मैजिक इसके अंदर था? ब्लैक मैजिक, हाँ डेफिनेटली ब्लैक मैजिक के ऊपर है, तो क्योंकि पूरा क्लाइमैक्स ही ब्लैक मैजिक के ऊपर है, लेकिन वेरिएशन ऑफ ब्लैक मैजिक नहीं दिखाए हैं कि सिर्फ एक ही ब्लैक मैजिक दिखाया है कि हम किसी का वशीकरण कैसे कर सकते हैं, तो पूरा कॉन्सेप्ट जो है एक वशीकरण के ऊपर है, तो हम ये तो नहीं कह सकते कि डिफरेंट काइंड ऑफ ब्लैक मैजिक इसमें प्रेजेंट किया गया, बट जो एक दिखाया है उसे बड़े ही कमाल और शिद्दत से दिखाया है। आउट ऑफ फाइव में अरुण भाई बहुत बहुत स्वागत है, फाइनली आपने देख लिए शैतान भाई यार, माधवन भाई, अजय देवगन भाई साहब, यहाँ पे ज्योतिका और हमारी प्यारी जानकी जो कि वश मूवी में भी थी, मतलब जो काम उसने वश मूवी में एक बार किया था उसको दोबारा वही चीज़ करना था, एंड लेट मी टेल यू ब्रदर यहाँ पे उसने जस्टिस दिया है, बहुत ही डेडली कप परफॉर्मेंस किया है, सीन टू सीन कॉपी है, बट कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस वाइज उसने कहीं पर भी नीचे ऊपर जाने वाली कोशिश नहीं की, काफ़ी अच्छे से मेंटेन रखा है। आर माधवन बाय बेस्ट चॉइस फिलहाल के समय, बेस्ट चॉइस, उससे तगड़ा एंटागोनिस्ट रोल कोई कर ही नहीं सकता था भाई, मतलब उसका एक्सप्रेशन देखोगे ना आप, ऐसा उसकी डेडली सी स्माइल, कैसा वो स्माइल करता है, किस तरह से वो लड़की को काबू में करता है, एक एक चीज़ काफ़ी आपको फील दिलाने की कोशिश करती है। एंड आई थिंक कहीं ना इस मूवी के देखो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था ना, वहाँ पे हमारे आर माधवन ने कहा भी था कि अजय देवगन ने मुझे अपने इस फिल्म के अंदर अपने से ज़्यादा पावरफुल रोल दिए और मुझे कहीं ना कहीं उसको प्रूव करना था अपने आप को, और ये यहाँ पर इन्होंने किया है। आर माधवन छा गए, बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस उन्होंने किया है। अजय देवगन की बात कर लेते हैं, अजय सर नो डाउट एक्सप्रेशंस के बादशाह हैं, वो उनके आँखों से भाई एक्टिंग हो जाता है, उनको पूरा बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, तो यहाँ पर उन्होंने अपने आँखों में जादू फिर एक बार चला है। डर, उनके चेहरे के ऊपर डर महसूस होता है जब उन्हें फील होता है कि यार मतलब मेरी बेटी मेरा नहीं सुन रही है और वो किसी एक ऐसे बंदे के काबू में जिसका मैं कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा हूँ, तो वो जो बोलते हैं ना कि एक ऐसा फीलिंग होता है जहाँ पे आप चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते, वो कहीं ना कहीं एक बाप के चेहरे के ऊपर जो झलकना चाहिए वो कहीं ना कहीं साफ तौर पे नज़र आता है। एक माँ कितना परेशान होती है जब उसकी बेटी किसी काबू में हो जाए, वो चाहकर भी उसे सही नहीं कर पा रही, बहुत कोशिश कर रही है, ये चीज़ कहीं ना कहीं आप उनके चेहरे के ऊपर फील कर लेते हैं।
यस, बहुत अच्छे तरीके से इन चीज़ों को कहीं ना कहीं रखा गया है। सारे के सारे बंदों के कैरेक्टर्स को काफ़ी प्रॉपर तरीके से यहाँ पे दिखाने की कोशिश की गई। मतलब ऐसा मान के चलो कि जितने भी हमारे बंदे हैं, हर किसी ने जो भी उनको रोल दिया गया, 10 out of 10 परफॉर्मेंस, कहीं से भी कुछ भी लो, इवन जो छोटा बच्चा है ना उसके अंदर, वो हमारी छोटा वो परिवार का क्यूट नटखट मस्ती करो लड़का, वो भी कहीं ना कहीं प्रॉपर तरीके से परफॉर्म करते हुए आपको नजर आ जाता है। सो आई थिंक यहाँ पे कैरेक्टर वाइज कुछ भी गड़बड़ नहीं है, ओवरऑल मूवी काफ़ी अच्छी खासी है, बहुत अच्छी। अगर आप सोच रहे थे यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन हाँ काफ़ी अच्छा है। आप फील करते हैं, आप उन चीज़ों को एंजॉय भी करते हैं, आपको मूवी बोर बिल्कुल नहीं कर रही है। स्टार्टिंग से ही कहीं ना कहीं ऐसे कुछ सीन्स डाले ही नहीं गए जो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगे कि यार अब थोड़ा सा इसको भगा देना चाहिए। इसके लिए इसमें गाने भी नहीं डाले गए, इवन गाने भी नहीं सोचो। तो जो भी है काफ़ी अच्छे तरीके से मेंटेन किया गया, विकास बहल ने कहीं ना कहीं अच्छे तरीके से ऑडियंस को एंगेज करने की कोशिश की है। बस बात ये रह जाती है ना कि आपको ऐसा फीलिंग आता है कि यार शायद हो सकता है इससे और डेडली यहाँ पर हमारे अजय सर आर माधवन के दौरान निकाला जा सकता था। काला जादू वगैरह हम लोगों ने ट्रेलर के अंदर देखा था, कुछ काला मैजिक जादू होने वाला है, कुछ ब्लैक मैजिक, कुछ साइकोगिरी देखने मिलने वाला है। तो साइकोगिरी तो हम लोगों ने फील किया, काला जादू भी फील किया, बट काफ़ी सारी वैरायटीज़ जो आप सोच रहे थे कुछ नेक्स्ट लेवल, तो वो यार मिसिंग है, तो वो कहने थोड़ा बहुत मिसिंग है। बाकी हाँ मूवी काफ़ी अच्छी खासी है, ऑडियंस डेफिनेटली इसको पसंद करेगी। एंड मेरे हिसाब से बॉलीवुड में फ़िलहाल के समय ऐसी मूवी किसी ने नहीं बनाई है, एंड इन्होंने अपना 100% दिया है। भले बहुत अच्छा निकल करने के काफ़ी अच्छा खासा आप इन्जॉय कर सकते हैं। एंड में रेटिंग क्या होगी? रेटिंग मेरे हिसाब से यहाँ पे इसको 3.5 देना बहुत ही सही रहेगा। यस, थैंक यू सो मच।